गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भाइयों की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप भाइयों के पास कैमरे लगे हुए हैं, उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई हुई है पुरानी ओल्ड डेट की, आप भाई उसे चेक करना चाहते हैं, आप भाई चेक करना चाहते हैं कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह चेक कर सकता हूँ, तो आज की वीडियो में सिंपली सिर्फ यही बताऊंगा। तो बता दूं, इसके दो मेथड है, आपने दोनों मेथड जो है वो लाजमी से देखने हैं, और इसके साथ ही अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक जरूर कर देना है। तो बिना चेक के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली आप जो है वो इस तरह स्क्रीन के ऊपर आए, तो क्या करना है, आपने जो है वो माउस से जो है वो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो तरीका है वो आप भाई मेन्यू के तरीके से भी जा सकते हैं, या फिर नीचे ही प्ले बैक का आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो पहला जो तरीका है मेन्यू से जाते हैं, मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो इधर आपके पास जो है वो पैटर्नर पूछ लिया जाएगा। ये सिक्योरिटी कोड होता है, यानी कि आपका कोई भी अदर पर्सन आपको जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह वो चेक नहीं कर सकता। तो सिंपली आपने अपना जो पैटर्नर लॉक है उसे जो है वो ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद इधर आपको ऑप्शन आ जाएंगे, तो नंबर फर्स्ट पे ही आपको प्ले बैकअप का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। आपने इस प्ले बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, तो प्ले बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने कौन कौन से कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो चेक करनी है, उसके बाद आपने उस कैमरे को सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये टू नंबर कैमरा मेरे पास पहले ही सिलेक्ट है, मैं एक नंबर कैमरे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जो है वो इन दोनों कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है वो चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने किस डेट को चेक करनी है, आपने वो जो डेट है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि छह डेट जो है वो पहले ही ब्लू है। आप जिस तरह ही कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, जिस जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी वो जो डेट है वो ब्लू कलर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस डेट की रिकॉर्डिंग मेरे पास इस कैमरे की मौजूद है। आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है और नीचे ब्लू लाइन के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग है वो इधर देखने को मिल जाएगी। तो इधर आप भाई इधर से आप भाई इसे जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे करना हो, फास्ट करना हो, वो आप भाई इधर से चेक कर सकते हैं। तो जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने मेन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना, नीचे ही प्ले बैकअप है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो बाकी आगे जो वो मेथड है वो सारा सेम है। जस्ट आपने कौन सा कैमरा वो सिलेक्ट करना है और नीचे वो डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग इधर आप भाइयों को देखने को मिल जाएगी। आप भाइयों को पता चल गया होगा कि जो कैमरे के अंदर पुरानी रिकॉर्डिंग है, ओल्ड रिकॉर्डिंग है, उसे आप भाई किस तरह चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप भाई अपनी फ्लैश के अंदर, यूएसबी के अंदर अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो जो छोटा सा पार्ट है उसे किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो